हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या और मैं आप लोगों के लिए हेल्थ, ब्यूटी और न्यूट्रिशन के अलग अलग वीडियोस लाते रहती हूँ। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है हेयर्स के लिए। तो बहुत लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है या फिर हमारे जो हेयर है वो ग्रोथ नहीं होती, एक टाइम पे वो रुक जाती है। तो ऐसे आप बहुत सारे इसके लिए रीजंस होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है या फिर हम हमारे हेयर्स की प्रॉपरली केयर नहीं लेते, केयर जो है वो नहीं करती, ज़्यादा नहीं करती। लेकिन अब मेरे जो हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा पतले हो गए या फिर जो उतने जो पहले स्ट्रांग थे वो नहीं रहे, तो इसके लिए मैंने अब कुछ रेमेडीज ट्राई की। तो मुझे जो बेस्ट लगी जिससे मेरे हेयर फॉल जो है वो कम हो गए और मेरे जो हेयर की ग्रोथ है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जो जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है या फिर हो नहीं पाती या फिर हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो उनके लिए ये मैं एक DIY हेयर ऑयल बताने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ट आई हैव एवर सीन। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाली है, आपके हेयर के लिए स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, विच इज़ अ रियली नाइस थिंग एंड ज़रूरत होती है या फिर पसंद है। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा DIY हेयर ऑयल बताने वाली हूँ, जो आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है, 4 नहीं, सिर्फ 2 बार यूज़ करना है। और आप उसे नहाने से 2 घंटे पहले यूज़ कर सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं आपके लिए। लेकिन मैं इसमें ओनियन डालने वाली हूँ, इससे आपको ओवरनाइट अगर आप रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इसलिए आप नहाने से 2 घंटे पहले आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये हेयर ऑयल आपके हेयर्स पे बहुत ज़्यादा एक जादू की तरह काम करेगा। तो आपको इसे अप्लाई करना है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको बस इसको लेके कॉन्स्टेंटली आपको लगाते रहना है, हफ्ते में 2 बार। अगर आप 1 महीना भी इसे यूज़ करते हो तो आपको एक मिराकल दिखेगा आपके हेयर्स में, जो मुझे दिखा है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे लिया है ओनियन जूस और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया कोकोनट ऑयल और उसके बाद हम ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। तो ये दो जो तीनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे हेयर्स के लिए। ये हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाती है और हमारे हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं और हमारी हेयर फॉल भी कम हो जाते हैं। और इसे आपको अप्लाई कर देना है अपने बालों पे। तो इसके लिए आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने अपनी मम्मी की ली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी मसाज करती है। तो आप किसी को भी बता सकते हो। जरूर रहना, उसमें मैं अच्छे अच्छे मेकअप के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आपको इससे बहुत सारी आइडियाज मिल जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही मैं खुद भी एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक बिगनर हूँ, मैं भी ट्राई करती रहती हूँ। तो आपको इससे जरूर अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। तो आप मुझे वहाँ जरूर फॉलो करना। तब तक के लिए बाय बाय।